नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अगले 2-3 दिनों में मानसून गति पकड़ेगा और महाराष्ट्र को पार करते हुए बालाघाट के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। लेकिन इसके पहले प्री मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश में बारिश होती रहेगी। अगले 24 घंटे में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के संकेत हैं। आज यानी कि शुक्रवार को 25 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है। निवाड़ी के ओरछा, सिवनी, डिंडोरी, कटनी, अनूपपुर, मऊगंज में आकाशीय बिजली गिरने चमकने की चेतावनी है। इन इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के साथ ओले भी गिरेंगे। बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, विदिशा, शिवपुरी, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, रीवा, मऊगंज में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इंदौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल और श्योपुर कला, मुरैना, छतरपुर, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान पर बना हुआ है। पंजाब पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरी गुजरात पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इन तीन मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के साथ ही हवाओं का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। हवाओं के साथ लगातार नमी आ रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने लगी है। आज शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने चमकने का भी अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक शहर में यह स्थिति बरकरार रहेगी। प्रदेश में 24 जून तक और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 26 जून के बाद ही मानसून के आने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।